स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं कि लोग क्या होता है, सबसे पहली चीज यही मेरे दिमाग में आती है, कानून क्या होता है। आपने सुना भी होगा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन आप एक चीज तो समझिए, आप फिल्मी दुनिया से अपने कल्चर को जोड़ते हैं, कायदे में रहेंगे तो किस में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। आप जो है कायदा कानून कायदा आज तक ये बार सुना होगा, समझ रहे हो तो वो जो कायदा या कानून कहते हैं ना, कानून की हद में रहो। हद व्हाट यू मीन बाय हद, हद कर दी आपने लिमिट्स, हम बोले तो लिमिट्स, यानी कि क्या मतलब है कानून की हद में रहो का क्या मतलब है साहब, कानून की लिमिट्स में रहो, यानी कि क्या है कानून, एक लिमिट्स है, एक दायरा है, एक स्कोप है जिससे बाहर हम लोगों को नहीं जाना है, जिससे बाहर हम लोगों को नहीं जाना है। समझ में आया नहीं आया, इधर के लिए अपने को अच्छी पुलिस बुला लेगी, यानी कि अगर आप अपनी लिमिट ब्रेक करते हैं, इफ यू आर ब्रेक योर ओन लिमिट, अब पता नहीं आप क्या कह रहे हो, आई एम द लिमिटलेस, 12th के बाद बच्चे का पता नहीं होता क्या क्या कहते, बाद में हिसाब लगाते रहते हैं सुनने वाले भी क्या कह रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो हर किसी चीज की लिमिट्स होती है, एवरी एग्री करते हो नहीं, तो ऐसे ही और ऐसे ही गवर्नमेंट ने हर चीज की क्या बनाई बच्चे, लिमिट्स बनाई हुई है, हर चीज को लेकर लिमिट्स बनाई हुई है, और उन लिमिट्स को लॉ बोलते हैं, एग्री विद मी ऑर नॉट, कोई घटना नहीं है। आखिर आपने किसी से पूछा होगा, जैसे आपने पढ़ा है, आप पढ़े लिखे तो वही, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ बच्चों, बस सीएस हो, एलएमयू, एलएलएम और पीएचडी लोगे चल रही है बस, और समझ में आया, ठीक है बच्चों, आपने सुना तो होगा कंपनी का 2013 बिल्कुल सुना है बच्चों, पढ़कर आए हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये कानून है, क्या है बेटा, ट्रैफिक एक्ट सुना होगा, ट्रैफिक रूल सुने होंगे, डायरेक्शन सुनी होंगी, सुने होंगे ना सुनी होंगी, और कुछ सुनाओ ना सुनाओ, शाम को मम्मी कहती है ना लाया 7 बजे से पहले घर आ जाना, नहीं सुनो, हर किसी के घर के कानून और कायदे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, जिस घर की लिमिट नहीं होती वो घर ना आकर होटल हो जाता है, तो घर में कानून बनाने वाला कौन है, मम्मी, और देश में कानून बनाने वाला कौन है, गवर्नमेंट, सुना है लॉ एंड ऑर्डर, एक वर्ड सुना है लॉ एंड ऑर्डर, पॉइंट क्लियर हुआ, तो क्या है कानून हमें नहीं देखना है, हमें भाई कौन बंदा कानून की क्या डेफिनेशन कह के मर गया, हमें उसकी देरी में कोई जाना है, भाई तुमने क्या कहा था बता दे, हमें इस चीज को अपने एंगल से समझना है, व्हाट यू मीन बाय द लॉ, और ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इसके बिना आगे ही नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैडम जल्दी फैलिए, जल्दी जल्दी क्विक बेटा, हमें तो 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो जनरेशन तो निकल ही गई है, सब आइडिया तो जल्दी ऊपर से जल्दी, तो क्या होता है बच्चे, हाँ जी क्या होता है कानून, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जैसे घर में पूजा करने से पहले माहौल नहीं बनाते, बिना माहौल के आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आप घर में किताब उठाते हो पढ़ना शुरू करते हो तो मेहमानों पर एकदम ऐसा नहीं दिखा रहे, ऐसा कर रहे हो, माहौल नहीं बना था, जिम जाते हो जिम से रनअप नहीं करते बेटा, हर चीज का माहौल होता है, बिल्कुल फैक्ट है बेटा, पढ़ने जा रहे हो तो इंस्टाग्राम से दिमाग हटाना पड़ेगा, माहौल बनाना है, क्या बनाना है बच्चे, और समझ में आया नहीं, तो उसी तरीके से हमें आज क्या करना है, माहौल बनाना है, किस सब्जेक्ट का, अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोगों से पूछता हूँ, आप में से रट के कौन पढ़ना चाहता है, पक्का विद्या कौन कौन आ रहा है,
चलते हैं बेटा। तीन शादी कोई उधर रखने वाला को क्यों भाई, सही बात है गलत है? तो बच्चों समझना कौन चाहता है? पक्का बेटा फोन उठा ले, फोन आज के बाद क्लास में ही चलेगा, ठीक है? नहीं मैं बहुत सारे फोन है, मेरा फोन टूट रहा है, तो चाहिए एक फोन। मैं चाह रहा हूँ कोई बच्चा तुम्हें फोन दे के चुरा के ले जाओ, पूरा उठा के ले जाओ। तो क्या स्टार्ट करते हैं बच्चे? तो ऐसे ही स्माइली फेस के साथ पढ़ना है। आप कोई यूं नहीं बना रहे हो, वो टीचर आ रहा है, सुबह सारे लगा दी तुम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, सीए प्रोफेशन में आ रहे हो, कोई आपने घोड़ा कोई कर लिया उसी ओके, ऐसे चेहरा पहना, समझे बच्चे? तो बात करते हैं लो। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कानून क्या है, देखो मेरी बात, कानून कुछ भी नहीं है, फिर सर आप क्या पढ़ाओगे? कानून एक लीगल स्टेटमेंट है, बोलो मेरे साथ, मेड बाय कोई दिक्कत नहीं आता? कानून क्या है? लीगल स्टेटमेंट है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है साहब? ये बड़ी चीज है, देखो एक ही चीज में एक लाइन नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये क्या नहीं है? लाइन नहीं है, ये कंसेप्ट है, समझ जाओगे। एक ही लाइन से वो आपको कानून का नेचर पता चलेगा, एक ही लाइन से, एक लाइन दिखूंगा बस, एक लाइन बेटा पढ़ी नहीं ना रे, हाँ हाँ ना जा मेरे लिए लेके लो, जल्दी करो फिर, अरे मुझे चाहिए यार, जा हाँ देखा तो दिन नहीं नहीं मंडे है बोला वो किसने, चलिए यार आके ओ नाराज हो, करो चलो जल्द बड़े जल्दी करो। हाँ जी, तो पता क्या बच्चों, ये तुम में से बहुत से पता कि क्या बैठे होंगे YouTube पे से पढ़ पढ़ा के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हाँ पता है यार, सेट है, और पता है ये लड़की क्या सोचेगी, शीशे के आगे खड़ा होकर रट लूंगी कोमा मिली हटने, ऐसा होता है भाई, ये नेचुरल है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, समझे मेरी बात को नहीं समझे? बहुत सारे ऐसे होंगे, अभी बता बहुत सारे क्या सोच रहे, अरे यार कहां से आ गया, पहले सबसे कितने पढ़ रहे थे, समझ रहे हो ना बात को? तो बच्चों लो क्या है, लो क्या है बोलो, लीगल स्टेटमेंट है, मेड बाय द गवर्नमेंट है, फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, खेल खत्म, सच बता रहा हूं, खेल खत्म हो गया बच्चों। तो बच्चे कैसे बच गए, ऐसे बच गए, ठीक है, समझ गया मेरी बात को? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, लो क्या बनाने वाला क्यों बनाई, अब सुनो यहां पर मेरी बात सुनो, फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक बार पता करें गलती से क्लास में क्या बोलते हैं, अभी बता देता हूँ। आपने आप अभी स्टेज से ऊपर आते होंगे, जो है मैंने गलती से बोल दिया, रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द मैन, अब समझना मेरी बातों को, तो पता है सारी गर्ल साइंस क्या बोली, इसका मतलब हमने तो कानून रखता ही नहीं है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, he include she, कॉमन सेंस की क्या बात है, he include she, I include we, पहला कंसेप्ट दे दिया मैंने आप लोगों को, लोगों का अपना अलग ही सिस्टम है, समझ लो एक अलग ही ऑटो है चलता रहेगा, ऑटो क्लियर हुआ, समझ में आई बात बेटा? पहली चीज कैसी थी आज, he include she, I include we, समझ गए? Yes sir, पहला टिप्स। तो लोन क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं है भैया, लोन लक्ष्मण रेखा है, अब तुम सुनते रहो बस,
पूरा हफ्ता बाहर का है, पूरी रात बैठ के क्या मेरे बच्चे को क्या क्या पढ़ाना सब ऐसी पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कैसे पढ़ाया? ठीक है, बात हो गया, समझी नहीं है? देखो बच्चों मेरी बात समझिए, मत समझो, देखिए हमारे यहाँ लग रहे तो बोलते ऐसे बच्चों ठीक है चले आगे। देखिए लो क्या है, मैंने बताया था लुमेट से लो, बिल्कुल एग्री कर गए आप सब। ये आपकी सीता जी है, क्या है बच्चों? मेरा अपना देखो बच्चों, मेरा ये एग्जाम्पल हिट है, सुपर हिट है। देखो बच्चों आप समझ ही रहे होंगे, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, कुछ और 15 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, ये है आप सीता जी और ये लक्ष्मण रेखा, कहने को मैंने क्या बोल दिया इसे लक्ष्मण रेखा, और किसने खींची लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण जी ने खींची। Agree? Yes. अब समझना मेरी बात को, समझना और गौर करना। लक्ष्मण सेठ को सीता, बोलो अंटिल एंड अनलेस यू आर अंडर दिस रेखा यू आर प्रोटेक्टेड, इफ यू आर क्रॉस दिस रेखा समझे ना समझे कुछ पहले सबको समझ में आया? राजा साहब सीधे बैठो, इसे आगे भी आगे आगे समझ में आया? दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो, दोबारा दोबारा बोलो बोलो। लक्ष्मण जी ने क्या बोला? लक्ष्मण जी घर से कुछ लिख के लाओगे क्या? ये देखना कि एक मैंने आपको 5 मिनट में ही आप लिखना सीख जाओगे। आपको लिखना है ये पेपर, जय माता दी नहीं है कि बहुत देर से ए लगा दे या बी लगा दे। समझ गए मेरी बात? हो लक्ष्मण सेठ टू सीता, लक्ष्मण सेठ टू सीता अंटिल एंड अनलेस यू आर अंडर दिस रेखा पढ़ने के दो मेथड। अगर आप इस चीज को ये पढ़ोगे ना, इस चीज के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, भाई वो चीज समझ में आएगी, वो चीज के नुकसान समझ में, फायदे अपने आप समझ में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपको बोल रहा थी, मेरी तो डांटी थी, पता नहीं तुम्हारी अच्छी मम्मी हो तो पता नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, मम्मी से आप कह रहे हो यार मम्मी बहुत बुरी है यार, रोज पिटाई करती है, रोज ऐसी ऐसी
फीलिंग्स आती हैं, हर किसी के अंदर आती है। दो दिन के लिए मम्मी को माँ के यहाँ भेज दो, आपको मम्मी की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। ये होता है चीज का नेगेटिव एंगल। क्या होता है बेटा? आपको सारे टीचर बुरे लगते होंगे, क्यों आके पढ़ा रहे हैं, रोज ये पूछ रहे कल पढ़ता नहीं आया, बुरे। लेकिन उन टीचर की भी अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिपेंडेंस है। दो दिन छुट्टी कर दी टीचर, टीचर सर आपने तो छुट्टी कर दी, सर आपको नहीं पता मेरा एग्जाम है, ना पता तो आपको याद दिला दूं। इंपोर्टेंस ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, अगर कानून किसी ने आपसे चलते चलते क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ द लॉ, कानून बनाए क्यों जाते हैं, किसी ने पूछ लिया आपसे, तो आप क्या जवाब दे भाई? सचिन सर से पढ़कर आए हो तो ये तो पूछेगा ही नहीं वो। अच्छा लॉ पढ़कर आए, आप तुम्हारी लॉ की क्लास स्टार्ट हुई थी कि ये बताइए कि कानून के फायदे क्या है, बताइए। कानून इज अ कायदा, कानून इज अ कायदा, लेकिन व्हाट आर द फायदा, किसका किसका? कानून का, समझिए क्या फायदे हैं। अब ये फायदा तो तुम्हें समझ में आ गया क्या? ये लिमिट है लो, ये जो लिमिट्स है ना ये है लो, जो किसके लिए बनाई गई है? ह्यूमन बीइंग के लिए। अब अगर थोड़ा सा निकल जाते हैं मस्ती से पढ़े, अब कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं, ये किसके लिए बनाई गई है? और बेटा ये जो लिमिट्स है इसी लिमिट्स को क्या बोल रहा हूं मैं? लॉ। और ये कौन है? लक्ष्मण। समझ गए, गवर्नमेंट ने लॉ बनाए ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए और कहा हो इस लिमिट में रहियो, और अगर ये लिमिट तोड़ी तो रावण गिल्टी क्यों? रावण कौन है? पुलिस पनिशमेंट। ट्रैफिक रूल, अब आप चाहते हैं घूमने, ट्रैफिक रूल पे लिखा होता है स्पीड लिमिट रहती है 40 किलोमीटर या 60, डिपेंड करता है वो चीज क्या इंडिकेट कर रही है बच्चों, लिमिट कर रही है ना। शाम को 7 बजे का आ रही हो, क्या है ये चीज? किसके साथ रहना है? इस लड़की के साथ नहीं रहना, ये चीज क्या है? कौन समझ में आया? समझ में आया? Yes sir. Everything has all limits and such limits is a law. अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब तुमसे ना, तूने एक लाइन नहीं लिखी, एक वर्ड नहीं लिखा, समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर आपसे कोई पूछता है, अब ये जो कानून बनाया गया इसके फायदे क्या हुए बच्चे? अगर मैं बात करूं तो दो पर्सपेक्टिव में मैं इसकी बात करता हूं, दो एंगल से बात करते हैं। कितने एंगल से सुना बेटा? दो एंगल से बात करते हैं, समझ में बात को बेटा। पहला एंगल क्या है बच्चे खुशी? जब मैं देखता हूं ह्यूमन, क्या देखता हूं? ह्यूमन। ह्यूमन मैंने कहा ना नेगेटिव एंगल समझते हैं, समझे साहब? कौन सा एंगल समझते हैं? नेगेटिव। तो कर दो ह्यूमन में से कानून को माइनस कर दो, बताओ जान। ये कौन देखा है? अच्छा बच्चे क्या है वो? जान। क्या है बच्चों? जानवर का मतलब ये नहीं क्या सिंगल में, जानवर का मतलब है अनसिविलाइज्ड पर्सन। कैसा पर्सन बच्चों? एग्री। ये जानवर सबसे झूठ देगा। अब अगर मैं थोड़े से अपने एंगल को थोड़ी सा बढ़ा देता हूं, व्यूज को बढ़ाता हूं, अब मैं कौन से एंगल से देखू? सोसाइटी। गौर साहब ध्यान देना, किस एंगल से देखू बच्चों? सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? नथिंग, ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यही तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें से, मुझे पता नहीं तुम क्या सोच के बैठे थे, मुझे ऐसे पढ़ाना, अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं? तो त्यागी जी बताएंगे, कौन से त्यागी? त्यागी कौन था तुमने सर बताए? अच्छा आप बताओ बेटा, अगर मैं सोसाइटी में से लॉ माइनस कर दूं तो क्या होगा?
जंगल राज। वेरी गुड, गुड ट्राई बेटा। क्या आ गया? जंगल राज। व्हाट डू यू मीन जंगल राज? मिथुन चक्रम भी मूवी नहीं, जंगल राज पढ़ो समझे, राज शासन, जंगल राज। हर शेर बकरी को खाएगा। क्या पढ़ा रहे हो सर? हमने तो आज तक 4 लाइन पढ़ी, उनकी हिंदी निकाली, उनका मतलब निकला था, निकला हिंदी निकाली, और हमें आ गया कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ना आया, वो कंटेंट आया। समझ रहे हो मेरी बात? है वो लो इज नॉट ए इंग्लिश। आज बता देता हूं मैं तुमसे, माई डियर डियर इज वेरी डियर, माई डियर डियर इज वेरी डियर। अब लगाए कई साहब तुम तो बहुत हो। एक चीज सुनिए, एक ही वर्ग के दो मतलब निकलते हैं, रोको मत जाने दो। एक वर्ड है क्या? रोको मत जाने दो। अभी के दो और समझिए, समझ लो इसका मतलब। आप अगर आपके घर पर शादी है और आपके फूफा जी और राव जी, ये ही रिश्तेदार जीजा जी और फूफा जी, शादी का सत्यानाश यही करते हैं, सच है? तो आप एक मिनट सुनना, एक बात हो बेटा, ध्यान दें, रोको मत चलने दो। यही आएगा इंटरप्रिटेशन, नहीं आएगा? यस सर। यही आएगा नहीं आएगा? और कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा डांस करता है और वो रूठ के जा रहा है और मैं उसके अंदर आपको सारी बराती खराब हो जाएगी, तो क्या करोगा? रोको मत जाने दो। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? और कहने को बात कही भी जाती है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। और सही बात में बोलो, सही तरीके से बोलो आज आपको एक बात, कोई भी चीज कुछ भी नहीं होती, उसको देखने का नजरिया खूबसूरत या खूबसूरत हो, ये फैक्ट है बच्चों। आप तुमने देखा हमारी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है अभी हमारी, कोई ज्यादा लेडी खूबसूरत तो नहीं है, देखने का नजरिया क्या है? देश की राष्ट्रपति है। और उससे बहुत ज्यादा ज्यादा खूबसूरत इंसान जो है उस लेवल पे नहीं है। तो क्या खूबसूरत होना चाहिए? परसेप्शन, एटीट्यूड। समझे मेरी बातों को? कुछ लोगों के लिए पढ़ाई क्या सबसे गंदी चीज है, और कुछ लोगों के लिए पढ़ाई क्या लाइक कटाई। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें ऐसा लगेगा कुछ किया नहीं। चीज तो एक ही है, समझ रहे हो मेरी बातों को? कुछ लोगों के लिए सीए क्या है? ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ लोगों के लिए सीए इज अ पैशन। कुछ ये फैक्ट है जो मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन ही आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही और परसेप्शन के हिसाब से ही मेहनत करोगे। तो पहले आपको अपना एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना है चीज को। If you want to become a CA, then you need an attitude of a CA. मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ईगो की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? और एटीट्यूड का मतलब कुछ अदरवाइज मत ले जाना। एटीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड विद ग्रेट लर्निंग एप्टीट्यूड। सीखने की कला, लर्निंग एप्टीट्यूड। क्या बोला मैंने? समझ गए? अब ये जंगल राज क्या? मैंने बोला हर शेर बकरी को खाएगा। क्या बोला बच्चों मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय शेर? शेर का क्या मतलब है? पावरफुल पर्सन विल ईट द वीकर पर्सन। अब पावरफुल एक इंसान कैसे हो सकता है? या तो फिजिकली पावर या पैसे से पावर, समझ रहे हो? Will eat the dominant. Eat का मतलब क्या होता है? Breakfast में खा जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसके right को तोड़ना।
दो मिनट करे और समझ में आया। तो अगर ये दोनों चीजें ना हो इसलिए क्या बनाए जाते हैं लोग, क्या क्रिएट करता है सोसाइटी में डिसिप्लिन, लोग क्या क्रिएट करता है सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी। व्हाट यू मीन बाय यूनिफॉर्मिटी? इक्वालिटी। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछू, लॉ इज चेंज या चेंज लॉ? अंतर क्या हुआ? वेरी परफेक्ट, गुड। लॉ इज चेंज या चेंज लॉ? मैं नीचे उतार देता हूं, लॉ इज चेंज या चेंज लॉ? अंतर क्या? देखिए अगर मैं कहता हूं, ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे गुड़िया, अगर मैं कहता हूं क्या किंग इज लॉ, तो इसका मतलब क्या है? जो राजा यानी गवर्नमेंट कानून बना रही है उस पर कानून अप्लाई नहीं होते, किंग इज लॉ। समझ गए मेरी बात को? कुछ नहीं कुछ। और अगर मैं कह रहा हूं लॉ इज किंग, इसका क्या मतलब है? समझ में आया? तो राइट नाउ कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है जल्दी बताओ? लॉ इज किंग। तो खैर अब अगर आपसे 15-20 मिनट मेरा आपका इंट्रोडक्शन रहा, अब मैं आपके कोर्स पर आना बच्चों पक्का। ये मुझे इसलिए समझाना पड़ा कि आपको एक ओवरऑल आइडिया तो हो कि जिस चीज को आप पढ़ने आ रहे हो उसका बेसिक मतलब क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कितनी सारी चीजें बता सकते हैं? बता सकते हैं नहीं बता सकते? और अगर मैं कहूँ ये जितना मैंने पढ़ाया इसे अपने शब्दों में 5 से 10 मिनट में लिख के दिखा दो, क्या दिखा सकते हैं? अगर आप रटने वाले नहीं है तो दिखा दोगे मुझे? इंटरनेट में थोड़ा हिंदी इंग्लिश वो चलेगा यार, वो कोई इश्यू नहीं है, कोई पहली ब्राउज में परफेक्ट कोई हो रहा है, समझे ना मेरी बात? तो ये अब मैं आगे चलता हूं, चलते हैं। देखिए अब ये ह्यूमन ये चीज सभी पढ़ कर है, ये ह्यूमन है विजिबल है बड़ा सबको बोर्ड, ये ह्यूमन है बच्चों। एक इंसान कितनी तरीके की एक्टिविटी करता है बच्चों बताओ? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चों? समझे मेरी बातों को? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है तो मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, ए और बी से बाहर निकल जाओ, समझ गए ना? हर चीज को एक्स मान लो, वाई कौन है? समझ वाली बात क्या नहीं है? हर एग्जाम्पल में मिस्टर ए ही आएगा, राम ही आएगा, राम है, क्या पता आ गई यार? तो कुछ समझो, प्रैक्टिकल बनो, थोड़े से क्या बनो बच्चों? आप द्वेष से बाहर आ गए हैं, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी कौन सी एक्टिविटी आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लोग क्या सीखोगे? पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाना, एग्री बच्चों? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है ये सीखने की जरूरत पड़ती नहीं है इंसान को, ये मेरी बेटी को भी आता है, समझ गए होगे बात? ये सीखने की जरूरत नहीं है, बता दो ना? पैसा उड़ाना कैसे जाता, ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है भाई, ये बाहर में है आप देख लो, और किसी को कमाना आए या ना आए उड़ाना आता कैसे आता है ना, कोचिंग भी होना नहीं, अरे भाई इसकी कोचिंग दे दे यार, तो उससे कहे अभी मैं तुझसे कहूँ बेटा 1,00,000 रुपए ऐसे कमाए जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? बहुत सुंदर सुंदर से वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, डैडी बियर, यही है या एक मिनट, मुझे एक सास भी कभी बहू थी
ये गारंटी नहीं है बहुत सांस होगी, लेकिन सांस कभी बहुत ही है पक्का है। उस जिस टाइम आप ये नाटक देख रहे हो उस टाइम आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? समझिए, समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? आप पैसा कितने तरीके से कमाया जाता है समझ लो। एक 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 बच्चा बोला था दो तरीके से, एक लीगल है एक इलीगल। मैं कह रहा था भाई क्या लीगल तो चलो समझ में आया, और यहाँ रोबो टीचर क्यों इलीगल मुझे भी बता। अरे सर आपको नहीं बता आप मेरठ में आपको नहीं बता आप क्यों एक बार उसे बच्चे ने धमकी दे मैं बोला सर आपको देख लूंगा मगर कहा कह रहा मेरठ कॉलेज। प्यारे सर जी अगर भी अगर मेरठ कॉलेज से ही है। ईंट को ये गुमान होता है कि इमारत उस बेटी की है, हर ईंट को ये गुमान होता है कि इमारत उस पर ईंट की है। समझ गया भाई? तो पैसा मेरे भाई तीन तरीके से कमाया जाता है, क्यों जो देखा बताओ कैसे? जो कह रहा यस बता कैसे खुशी आप बताओ बेटा। हाँ बताइए। बहुत आसान है, व्यापार पेशा नौकरी, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। चौथा मुझे बता दे, तीन तो तरीके हुए बच्चों, क्या क्या? बिजनेस बिजनेस देखो प्रैक्टिकल इधर ध्यान दे बच्चों, और तीसरा क्या हुआ? यानी बताओ आप व्यापार इसके बारे में बाहर कोई जानता है क्यों बेटा जी? जानता है दाव पड़ा तो क्या पास करके दिया पक्का मुझे तो मैं बात कर रही हूँ। चलो क्या ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस रखना। हाँ जी सर आप भी बता दें, आ जाओ दोनों यहाँ मेरे पास यार, बच्चे आते हो आते हो आते हो जल्दी आ जाओ आगे, इतने बुरे नहीं है आ जाओ जल्दी बेटा नींद आ रही पा गया अब ठीक। मैं पकाने आया था आपको पका कर जाऊँ। हाँ जी बैठो बैठो बेटा, बिजनेस प्रोफेशन और प्रोफेशन में आपका सीए सीएस लॉयर डॉक्टर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल? जो आंखों में से काजल चुरा ले उसे प्रोफेशनल बोलते, जो झूठ बोल रहे कहे मैं झूठ बोल रहा हूं और सामने वाले जो कहे नहीं जी इससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता इसे प्रोफेशनल बोल। नहीं समझे आज? समझ गए? हम सीएसएस क्या करते हैं? टैक्सी चोरी करते हैं, सबको पता है कर रहे हैं। हमारा जन्म ही हुआ है चोरी करने के लिए, लेकिन अगर कोई चोर नहीं कर सकता इसे प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। समझे? यानी कि जो अपने काम में डैम एक्सपर्ट होता है। कैसा एक्सपर्ट बेटा? डैम एक्सपर्ट, माहिर। कहते ना बड़ा माहिर आदमी है, बड़ा शातिर एक्सपर्ट है, समझ रहे हो? वो कहा जाएगा क्या सही मायने में क्या आंखों में आके डालकर क्या बोले झूठ बोले और मुंह से भी बोले मैं झूठ बोल रहा हूं और सामने वाला कहे वाह कसम इससे बड़ा सच नहीं नहीं सकता इसे कहते हैं क्या? समझ आ गया? समझ आया? तो प्रोफेशनल कौन है बच्चों? जो अपने काम में क्या है बच्चों? एक्सपर्ट है। क्या है? सीए साहब, सीएस
लॉयर, डॉक्टर, टीचर। तुम टीचर को अगर एक बात का बताओ, टीचर को कुछ मानते ही हो? भाई साहब आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, भाई मम्मी पापा डॉक्टर डॉक्टर पूरा घर लगा रहा है इनके पीछे। पूछे ना कोई बोल ए, वो कहेगा ओ। पूछे ना कोई बोल ओ, वो कहेगा क्या। समझना मेरी बात को, समझना। और उस बच्चे को हम स्कूल में छोड़ कर आते हैं केवल 5 दिन के अंदर। ए बी सी डी, ए बी सी डी है नहीं मैडम, प्रोफेशनल। और हम कहेंगे अरे पढ़ ले ना, मैं ना पढ़ू। अरे बोल मैडम, अरे मैडम तुझे चार दिन पहले कि बोला बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, बोला यस मैम गुड मॉर्निंग। तो किसने सिखाया? है ना टीचर प्रोफेशनल। मजाक नहीं है। अच्छा आप लोग देखो क्या क्या दिमाग में लिए बैठे होंगे। किसी का दिमाग हरिद्वार जा रहा होगा, किसी का इसी के, कोई अभी शिमला मनाली में घूम रहा होगा, किसी का दोस्त क्या कर रहे होंगे, काम वाम अच्छे बन रहे हैं, क्लास के बाद ये करना है वो करना है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में। तुम्हारे सारे दिमाग को एक जगह लाना, ये मेरा काम है। तो हुआ ना मैं प्रोफेशनल, समझ गए? तो आंखों में से क्या छुपाना है, समझ गए? समझ गए सीएसएस क्या होता है, आज के बाद नहीं बताऊंगा। बाकी सब इंग्लिश की लाइन है, बाकी सब किसकी लाइन है, समझ गए? अब बच्चों बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है? यार बताइए तीन कौन से बेटा, वो बिजनेस करने के रूप है, फॉर्म। इस बात को समझ लो, जैसे मैं आपसे कहूं देवी माँ, तो देवी माँ क्या है? देवी माँ तो एक ही है ना, उनके लोग क्या है, रूप है। जैसे भगवान अल्लाह सब एक ही है, एक पावर है, एक स्पिरिचुअल पावर है, ये सब उनके क्या है, रूप है। कौन समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ वो सब रूप है। सोल प्रोप्राइटर ऑफिसी बिजनेस करने के तरीके तो कौन बताएगा? जी भाई बताओ बताओ। नहीं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग स्टेज है बिजनेस की, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और अगर मैं गलत हूं तो ना, अगर तुम्हें कहीं ऐसा लग रहा है सर से आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पूछ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? बताओ थोड़ा बेटा, बताओ बताओ बेटा, बच्चे आओ बता दो हमें। प्रोफेसर ने भी बता दिया करो, सारी चीज बता दो है। क्यों बता दी? क्या बता रहे हो? आप टीचर हो, हम स्टूडेंट है, ठीक है। दो रूप है बेटा, किसी भी चीज को करने के दो तरीके हो सकते हैं। सर बता दो, पहला मैं अकेला, दूसरा हम साथ साथ हैं। ना ना ना, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ पर। सर क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो, पूरी बात समझाओ, हम समझाएंगे आपको पूरी बात। लो बिजनेस का पहला रूप है जब सिंगल पर्सन से आप बिजनेस करते हो, या पता ये भी मैंने पूरी बात नहीं लिखी, नॉन शेयरिंग मॉडल बिजनेस का। कैसा मॉडल बेटा? नॉन शेयरिंग मॉडल। कौन सा मॉडल बच्चों? मतलब क्या है सर? यहाँ पर हल्ला और गल्ला, बोलो मेरे सर, नहीं बढ़ता। अब कह रहे हल्ला और गल्ला साथ, हल्ला बोले तो कंट्रोल और गल्ला बोले तो परफेक्ट। शेयर नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर में क्या शेयर होगा? 1% कंपनी में क्या शेयर होगा? तो समझ गए? समझ रहे हैं? नॉन शेयरिंग मॉडल में कौन कौन सी आ जाएगी जल्दी बताओ? एक तो सोल प्रोप्राइटर, और दूसरा कौन सा बच्चों? 1% कंपनी।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं समोसा लेकर आया हूँ, सारा समोसा मैं ही खाऊंगा, ये है नॉन सेलिंग मॉडल। अब बोला जी आपके फायदे नुकसान, मजा तो लोगे समोसे का ब्रो, वो वाली जो वो समझ गया मेरी बात, इधर क्लियर। अब शेयरिंग मॉडल क्या, शेयरिंग मॉडल में क्या होगा, वही रुक जाओ, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप तो उसका एक तरीका है, कंपनी भी तो है भाई, थोड़ा भाई एलएलपी भी तो है, रुक जाओ अपना पार्टनरशिप, सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, देखो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ये तो पता चले अभी पढ़ने का चीज है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा मॉडल है, मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या बेटे, अब यार एक बार बताओ, कभी ग्रुप ऑफ पर्सन नॉन शेयरिंग मॉडल हो सके, जान लो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो शेयरिंग कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा ना, तो ये कैसा मॉडल हुआ, शेयरिंग मॉडल। अब बताइए कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, अच्छा यहाँ हल्ला और गल्ला, क्या अल्लाह और समझ गए होंगे मेरी बात को, अल्लाह और गल्ला पटेगा, बढ़िया, अल्लाह और गल्ला पटेगा नहीं पटेगा, पॉइंट क्लियर हुआ माय लॉर्ड, और गल्ला बोले तो रॉन्ग योर बिजनेस, पॉइंट क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी फॉर्म आई जल्दी बताओ, दूसरी अमेरिकी फॉर्म यहाँ पे लिख दो अगर कोई दिक्कत ना हो, ना मैं नहीं आऊंगा तुम्हें सबको पकड़ के, पार्टनरशिप, दूसरी क्या एनर्जी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एचयूएफ, सही बताओ ना बेटा, एचयूएफ तो अपने आप ही फॉर्म हो रहा है, मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों, एनर्जी एच, अभी मैं तुम्हारे कोर्स कोर्स की ले रहा हूं, एच यू एफ, सोसाइटी, लेकिन तुम्हारे कोर्स में केवल कौन कौन सी है, एच यू एफ पीछे पड़ गया हूं, एच यू एफ अलग से लड़की लड़के अलग से कानून नहीं, एच यू एफ इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, ठीक है बेटा। तो अब इनके लिए बात करते हैं, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट पढ़ कर आया तुम लोग, पार्टनरशिप में कंपनी के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, और एलएलपी के लिए, अच्छा आप एक बात, हाँ तो काफी मैं पहले आ गया, मेरा नाम जो है 6 महीने बाद रखा है, समझ गए, समझा नहीं समझा भी बच्चे, ठीक है। अभी क्या होगा, कहीं कहीं आप क्या देखोगे, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2015, तो क्या वो एक्ट पास हुआ है या उसमें अमेंडमेंट आया है, ये भी ठीक है आगे के लिए, बोलिए वेरी गुड, मैं तो चाहता हूँ स्पीक अप ताकि मैं उसका रीजन दे सकूं, क्या दे सकूं बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए। अब सर दो हो रहे हैं, बताना जरा कौन से, कॉन्ट्रैक्ट है और 300 गुड्स है, कौन सा है बेटा और दूसरा कौन सा, सर वो क्यों है, एक बात
चाहे आप कंपनी बना रहे हो, चाहे आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब उस माल को आप आगे बेचोगे, सेल करोगे ना, तो कौन सा एक्ट नहीं होगा? तो आपके कोर्स में ये तीन तो ही है, इसके अलावा और जो है कौन से बच्चों, तो एक तो आप उन लोगों का हो गया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है 8072, एक कौन सा हो गया 100 बोलते हैं इसे, यस सेल्स ऑफ 9030, तीसरा सेल्स ऑफ गुड्स हो गया ना, एवरीवे ठीक है, तीसरा हो गया आपका पार्टनरशिप, यस 1932। अभी मैं एक मजेदार बात बताऊंगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्लीज। एक सासू थी, एक स्टोरी, क्या थी? एक सास थी, वो गांव में रहती थी हवेली, समझना बेटा, सास कहां पे रहती थी गांव में, हवेली में, हवेली में। दो बेटों की शादी हुई, कितने सही बात है, दो बेटे थे, दोनों की क्या हुई, शादी हुई। अब शादी हुई 1930 में, 1930 में बड़ी बहू कह रही मैं आपके साथ ही रहूं इस पुरानी हवेली, मैं तो नोएडा में फ्लैट लेके रहूं, अलग हो गई, क्या हो गई, और तो जेठानी अलग हो गई, तो देवरानी गांव में क्या करती है, जी मुझे लेना ना, मैं तो बेंगलुरु रहूं, ये जा वो काम अलग हो गई, वो काम अलग हो गई, कुछ समझे बताओ क्या समझे, समझ गया नहीं बात को, इसका मतलब क्या है, कहने का भाव क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन क्या है, ये है कि 1872 ब्रिटिश रूल, थोड़ा सा स्टेट चलते हैं, कहां बेटा, ब्रिटिश रूल 1872, नॉट एन इंडिपेंडेंट इंडिया, 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया और जब है ना, पूरा फ्लो बेटा, जब बड़ी मुश्किल से समझ गया ना, ठीक है, 1872 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लो बना दिया, तो उस टाइम सेल और पार्टनरशिप किसके अकॉर्डिंग होती थी, ये बात नहीं पता थी, क्या आपके दिमाग में ट्वेल्थ में अकाउंट पढ़ते टाइम कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि पार्टनरशिप तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, और पार्टनरशिप 1932 का है, कब का है बच्चों, क्या इससे पहले पार्टनरशिप नहीं होती होगी, होती होगी तो सर कौन सा कानून उन्हें गवर्न करता होगा, आगे तो ये है सास, कौन है ये बच्चों, सास, और ये कौन है, जेठानी, पहली बड़ेवाली जेठानी बाहर हुई, सेपरेट हुई, यानी कि पार्टनरशिप डिटेक्ट कर लिया पहले सोगा, और फिर क्या हवेली अभी खाली नहीं है मेरे भाई, जनरल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आज भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कौन पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, ये बात तो वैसी पॉइंट क्लियर हुआ, चलते हैं आगे, इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, 2013 कंपनी है, 2000 मैंने तुम्हारे कोर्स की ट्रेन में बैठा दिए हो, समझ गए होंगे,
कंपनीज हैं क्या? 2000 हटी। इससे पहले कौन सा लोन था कंपनीज को लेकर? कंपनी को लेकर मेरे बच्चे, पार्टनरशिप और कंपनी अलग अलग चीज होती है। जागो ग्राम जागो। कंपनी है 1956। एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में सारे आगे सुन लोगे। एक था राजा, बोलो, एक थी रानी, राजा मर गया, रानी मेरे तो रह गई कौन? रानी। देन शुरू हुई कंपनी की कहानी। हेलो सर, एक था राजा, एक थी रानी, आ जाओ। एक था क्या बोलो मेरे साथी आप? एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया, रह गई रानी। देन शुरू हुई कंपनी की कहानी। कोई यह नहीं कहेगा मेरी प्रेम कहानी, कंपनी की कहानी। किसकी कहानी बच्चों? कंपनी की कहानी। पक्का कह रहा हूं, जैसे तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया आज? क्या पता हो, सच बताना बच्चों, आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन जनरेट नहीं हुआ? होना चाहिए ना भाई। पार्टनरशिप तो कोई आपका कॉन्सेप्ट तो है नहीं बच्चों। इंडिया का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है साझेदारी के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस करना। एग्री? समझ में आया? चलिए वो कहानी हम यहाँ सुनेंगे, कौन से वाली जो आपको बताई है, और फिर अपना जाते जाते पढ़ेंगे एनएलपी। अब हम सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट का शुभारंभ करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? हाँ जी, मिलजुल कर काम करना। अगर सिंपल बोले, दो दोस्त मिले और कुछ ऐसे मिले कि यार कुछ पैसे कमाते हैं, दो दोस्त मिले और कुछ इस माइंडसेट के साथ मिले कि चल यार कुछ बस इतनी सी कहानी है पार्टनरशिप। दूसरे का क्या करेगा? विच विस क्या करेगा? समझ के देना तो मैं बोलूंगा। याद रखना बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं दो दोस्त मिले, क्या मिले बेटा? दो दोस्त मिले, दोस्त का नाम कुछ भी रख सकते हो, इंटू मिंटू चिंटू या अपना कोई दोस्त जो है अपने दिमाग में रख लीजिए। बिजनेस करने के लिए डेट पर नहीं, ठीक है, क्या करने के लिए? बिजनेस, ठीक है बच्चों। तो दोस्त मिले और मिलकर क्या कहा, क्या करना है हमें लोगों को? बिजनेस करना है, दोस्ती नहीं करनी, क्या करना है? अब बिजनेस अगर होगा तो बिजनेस का सोल पर्पस क्या होता है? देखो समझो, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि कब मैं सेक्शन 4 तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूं। यहां से ही एक केस स्टडी का जन्म, पहले ही दिन बिना कुछ पढ़ाए बाउंसर मार दिया, पहली बार देखो समझो बेटा, सुनिए कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए टेयर है अब उनके लिए ऑर्डिनरी है, नहीं समझे? जो दूसरे के लिए टेयर, टेयर का मतलब समझ रहे हो, जो दूसरे के लिए डर है उसे मैं रोज करता हूं। बस तरीका सही होना चाहिए, बस क्या सही होना चाहिए बच्चा? लड़की हाँ जी इधर ध्यान दे। तो ये जो प्रॉफिट है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पार्टनरशिप, आप ही बताओ सर, क्या पार्टनरशिप
किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हो सकती है? यही केस स्टडी है। ए और बी, ए मिस्टर ए और बी आर डूइंग द चैरिटेबल बिजनेस, आर दे कैन फॉर्म पार्टनरशिप फॉर सच पर्पस? आंसर विल बी माय लॉर्ड, नो। कोई समझ में आया? अब मैंने क्या बोला? फोन मत करो बच्चो, बहुत मेहनत कर रहा। मैंने कहा रटने की चीज भूल जाऊंगा, पूरी रात बैठ कर रटा हूं। हाँ, दूसरी बात सुनिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कैसे टीचर हो, फिर आपको ही जो है मौका दिया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा आपके साथ, इंसाफ भी करा दूंगा। ठीक है, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ क्या पढ़े, मेरा आपसे क्वेश्चन है, यार बिजनेस का मतलब क्या होता है? क्या पार्टनरशिप में बिजनेस का मतलब बिजनेस ही होता है या बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन होता है? अभी मैंने क्या बताया था, बिजनेस और प्रोफेशन एक चीज बताई थी, अलग अलग बताई थी। एग्री? यस सर। एग्री? और आप यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, एक बार बताइए, ये जो सीए, दो सीओ के बीच में पार्टनरशिप फर्म बनती है, इसे आप किस कैटेगरी में रखोगे? बिजनेस में या प्रोफेशन में? ये प्रोफेशन है। आप देख रहे हो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म बन रही है, क्या बन रही है? यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, किसके अंदर बच्चों? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन होगा। क्या होता है बच्चों? बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन। तो अच्छे समझ गए? अच्छा, बिजनेस, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? इरेगुलर एक्टिविटी या एक रेगुलर एक्टिविटी? पॉइंट क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। चलते हैं, चले सेक्शन 4, डिफाइन द टर्म पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ व्हाट एक्ट, व्हाट डू मीन बाय द सेक्शन? रोटी, जो हम रोटी खाते हैं, आर डिवाइडेड इनटू पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ टुकड़ा। जो हम टुकड़ों के रूप में रोटी खाते हैं, बताना, ये आप जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसकी क्लास में सेक्शन क्यों होते थे? आप जो चैप्टर पढ़ते हो, सीखो यार, आप जो चैप्टर पढ़ते हो उसमें पैराग्राफ ना होते तो क्या होता? समझ रहे हो? अभी मैं तुमसे कहूं, ये चार चार पेज हैं, चार पेज में 400 लाइन है और उनमें गैप ना। समझ गए? तो जो एक्ट है, जो आपका एक्ट है, क्या है बेटा? एक्ट है, वो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजीली इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड व्हाट? सेक्शन। देखो मैं आपसे कहता हूं, याद रखना, तुम पढ़कर भी आए, शेयर और शेयर कैपिटल पढ़िए आपने ये चीज। आपसे कोई पूछने लगे व्हाट डू मीन बाय द शेयर, प्लीज ज्यादा बड़ी बातें मत बताना, मुझे पता, तुम्हें सब कुछ पता है। व्हाट डू मीन बाय द शेयर, तो बताओ आप क्या बोलोगे? The share capital of the company are divided into part. Yes sir. Yes, sir. The share capital of the company are divided into part and such part are known as the share. Yeah. और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो? Share is a share. बोलो, share is a share in a share capital. In a share capital. शेयर शेयर कैपिटल का हिस्सा है, कोई समझ में आया? उसी तरीके से सेक्शन क्या है?
पार्ट होता क्या है? है? अच्छा एक मिनट बात करो बच्चों, सर ने आज आकर आपको केवल एक चीज बताई, बहुत बेकार आदमी है। लो बस यही तो बताया, अभी रेली बताया मैंने, बनेगा कैसे कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? पर ये तो चलते चलते मैं पढ़ाता रहूंगा सब। बच्चों सर ने एक चीज बताया लो, और सही सर ये कह रहे हैं एक्ट, कई एक्ट बोल देते हैं, कई रूल बोल देते हैं, कई रेगुलेशन बोल देते हैं, कई डायरेक्शन बोल देते हैं। देखा होगा तुमने मेरे पढ़ाने में पिछले एक घंटे में, एग्री? यस बच्चों, ये सारी चीजें ही लोग हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ही क्या क्रिएट कर रही हैं? ट्रैफिक रूल्स, कोविड गाइडलाइन, याद हो रहा है सबको कितने पीटे थे तुम गोल पे गाने का चक्कर में, बाहर निकलो डंडा बजेगा। कोविड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के क्या बच्चों, यानी कि जो भी चीज आपके ऊपर क्या लगाए, लगाए उसे क्या बोलते हैं? ये इसके कहने के क्या हुए? तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा था, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है बच्चों? वो कौन से सेक्शन में है? एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक केस स्टडी और तीसरा हो सर। ठीक है, अब आंसर के बाद में स्टेशन भी तो जाएगा ना, ठीक है ना? आगे चलते हैं कि एक जादू एक क्वेश्चन हो यार, ये पार्टनर है पी वन, क्या है ये बच्चों? आपको बात बता देता हूँ, केस स्टडी आती है, जानते हैं बच्चों? और केस स्टडी बहुत बढ़िया चीज है, अगर आपको डीप नॉलेज है तो केस स्टडी से बढ़िया कोई चीज ही नहीं। इधर क्लियर? यस सर। ठीक है, ये पी वन है, ये पार्टनर है, ठीक है, और ये पी टू है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहते हैं ना बहुत सारे लोग, यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो एक मेरे दिल से कभी ऐसी समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा क्यों होता है कि एक पार्टनर गलत करता है और दूसरा पार्टनर भरता है? नहीं बेटे बनाओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का तो मतलब ये है कि मैंने 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगा रखी है, फर्म के ऊपर 1 करोड़ का डेट है, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नहीं अमाउंट को लेकर। यहां पर समझे नेचर ऑफ लाइबिलिटी की बात हो रही है। पार्टनरशिप का नाम शुरू लेते ही बालक एक ही बात कहना शुरू कर देगा, ये होता बिक सके यही शुरू है, यही क्या ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का तो मतलब है ना। यहां ऐसा क्यों है कि मान लो और इंडिया बीच में क्या बनी हुई है बच्चों? एक फर्म, क्या बनी हुई है बच्चों? फर्म। ऐसा क्यों है कि करे कोई करे क्या कोई दूसरा करे कोई, मतलब पता समझ रहे हो? एक लाइन बोल रहा हूं जाते जाते लॉ की, वन पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर, व्हाई? बस एक ही क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग क्वेश्चन से रहवा रहे हैं सर। व्हाई वन पार्टनर, व्हाई इसे बताना है क्या, ठीक है? व्हाई वन पार्टनर इज लाइबल, लाइबल एल आई ए बी एल ई, लाइबल
for the act of another partner. तुम्हारे का समझ में आया कुछ? अबे कोई क्वेश्चन कर दिया अब देखो आज कहा जाएगा क्या करना है मुझे हक है बोलो अरे सुनो अरे रो मत ना पता लगा सारी गली के कुत्ते आ जाएंगे तो बोलो मुझे हक है अब इसे लोग के हिसाब से गाना गाइए आई एम एंटाइटल्ड मुझे हक है किसी का टिको समझ रहे हो ध्यान दो ये लीगल वर्ड्स ऐसे नहीं है कि कोई जानू नहीं होगा कोई झगड़ा नहीं है मुझे हक है इसी का हक को आई एम एंटाइटल्ड आई एम एंटाइटल्ड ठीक है बेटे आई एम एंटाइटल्ड अब क्या मैं हकदार हूं मुझे वो चीज इस चीज पर मेरा राइट है हक का मतलब क्या है राइट क्लेम समझ रहे बात को बच्चों दूसरा देखिए मैं जिम्मेवार हूं मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हो लाइबिलिटी बोलते हो डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हो ठीक है बच्चे आपको एक मजे की बात बताऊं लाइबिलिटी आपने 1,00,000 बार पढ़ा है गारंटी है लाइबिलिटी में लाइबल लाइबल का क्या मतलब है यस वो जो लाइबल है यहां से बात निकल रहा है और यहां पर जो जिम्मेदारी है वो लीगल ऑब्लिगेशन है मस्त बोलते क्या बेटा समझ में आया मैं जिम्मेवार हूं इसका मतलब क्या आएगा आई एम लाइबल पहले समझ में आया देख रहा हूं तुम्हें ध्यान दे दिया मैंने बहुत सारी बातें तुम्हें बताई है लाइबिलिटी से क्या निकला है भाई लाइबल क्या तुम्हारा कुछ आया समझ में नहीं आई थी हम लोग एमडी आया किसको नहीं आया समझ में जरा वो महानुभाव पढ़े सबको पढ़ने का तरीका समझ में आया बच्चे पढ़ाएगा अच्छा बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेंगे एटीट्यूड और देखो ये आपका जो है ना बॉडी का स्टेंस मतलब समझो पढ़ने का टाइम आ गया बच्चे मुझे मसला लेना एवरी डे टेक केयर